देखिए बात स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार और अब प्रहार में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां भेड़ियों का आतंक लोगों को परेशान कर रहा है। दहशत के साए में जीने पर मजबूर हैं बहराइच के रहने वाले लोग। हालांकि चार भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी भी कई भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। और जब तक वो भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक लोगों के मन में कायम दहशत को खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि अभी दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे इलाके की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अभी भी दो भेड़िए हैं जो पकड़ में नहीं आए हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ग्रामीणों के बीच इन्हीं भेड़ियों का खौफ है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 25 टीमें लगाई गई हैं, जिनमें से 350 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। दो दिन पहले ही वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा था। अब तक कुल मिलाकर 4 आदमखोर भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन बाकी बचे 2 भेड़िए अभी पकड़ से बाहर हैं। और जो बाकी बचे 2 भेड़िए हैं, वो सबसे आदमखोर बताए जा रहे हैं। खतरा बच्चों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, इसीलिए ये बार बार चेतावनी जारी की जा रही है कि अपने घर के अंदर सोएं, बाहर ना सोएं, घर के दरवाजे बंद रखें, अंधेरा होते ही अपने घरों की तरफ वापस लौट जाएं, अंधेरे में घर से बाहर ना निकलें। एक तरफ वन कर्मी सुरक्षा में तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो भी अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। और गाँव वाले लाठी डंडे लेकर अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आते हैं, पहरेदारी करते हुए नजर आते हैं। 24 घंटे पहरेदारी की जाती है, रात भर जगा जाता है, ताकि भेड़िया एक बार फिर से उन पर हमला ना करे। अभी तक जितनी मौतें हो चुकी हैं, वो मौतों का आंकड़ा फिर ना बढ़े। भय तो है, क्योंकि कई बच्चे उठाए गए हैं भेड़ियों के द्वारा, और हम जो है पकड़ भी रहे हैं। 6 भेड़िए देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 ही बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे। और धीरे धीरे भय कम हो रहा है। वो रात में छोटे बच्चों को, खासकर सोते हुए बच्चों को उठाते हैं। हमारा सर्च अभियान तकरीबन ये 18 जुलाई से शुरू है, और अब तक भी चल रहा है, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि बाकी भेड़िए पकड़े नहीं जाते, समस्या ख़त्म नहीं हो जाती। गांव वालों से अपील यही करते हैं कि दरवाजे के अंदर सोएं। तो आपने देखा भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 24 घंटे कॉम्बिंग की जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जाल लगाए जा रहे हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन अभी भी 2 ऐसे आदमखोर भेड़िए हैं जो पकड़ में नहीं आ पाए हैं। ग्रामीणों के बीच में इस वक्त दहशत का माहौल है, रात दिन जागकर वो पहरेदारी करते हैं ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। फिलहाल भेड़िया गांव के कई जानवरों को उठाकर ले जा चुका है। सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग रात को लाइट जलाकर रखते हैं, पहरेदारी करते हैं, ताकि भेड़िया फिर से उन पर हमला ना करे। जंगली जानवरों की तलाश के लिए। कौन सा जानवर है? भेड़िया है और गुलबगा भी है, कई तरह के जानवर है। तो भेड़िया को आपने देखा है? हाँ, हमने देखा है। इस जगह जहाँ वो हमारी चाची खड़ी, उस जगह मिला था हमको। दहशत था कि रात भर लोग जागते हैं, और जो ज़्यादा जाग जाते हैं दूसरे दिन सो भी जाते हैं। कहाँ तक कोई जागे? हाँ, आ रहे हैं रोज, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। जंगल में, असल में जंगल में पानी है कहीं कहीं, उसमें लोग जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो हो सकता है बस जाए, बस जाता होगा। खूब डर लग रहा है। डर क्या, तमाम लोग जाने चली गए हैं तो तभी न डर लगे। ये जो है भेड़िया की, भेड़िया की, और जो कुत्ते को उठा लेगा जानवर, उस जानवर की जी, वो देखा गया है कि वो भेड़िया कुछ करसैले रंग पर हैं, कुछ लाल पानी पर हैं, और कुछ कबले हैं, और कुछ रात में काले भी दिखाते हैं, 3-4 प्रकार के रंग में दिखते हैं, दम बचाते हैं। अभी आज भी रात में यहाँ से वहाँ जंगल तक लेके गए खेत करके, और परसों एक कुत्ते को ले गई, परसों नरसों एक कुत्ते को ले गई उठा करके, और आज के 4-5 दिन पहले एक लड़का 10-12 साल का था, इतना बड़ा लड़का था, तो उधर से इधर से जा रहा था, उधर केवल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा धान था, धान में केवल वह रोड के किनारे खड़ा था। प्रशासन तो अपने उपाय लगा रहा है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे हैं।
तो देखिए, एक तरफ बहराइच में भेड़ियों का आतंक है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और सीतापुर में टेरर का, जो बाघ का टेरर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार हमले बाघ के बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। उसकी लोकेशन क्या है ये पता लगाने के लिए कई कैमरे लगवाए गए हैं। वन कर्मियों की टीम दक्षिण खीरी वन विभाग की मोहम्मदी रेंज इमलिया और अजान के पास बाघ की लोकेशन ट्रेस करने के लिए ड्रोन कैमरा वहां पर उड़ाया गया। खेतों में निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खेतों में अकेले ना जाने के लिए कहा गया है। तो लखीमपुर और सीतापुर में बाघ का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। उसके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से वन विभाग जगह जगह ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी कर रहा है। जाल लगाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन बाघों को पकड़ा जा सके। कल शाम को ये घटना है, आजान गांव है हमारे हैदराबाद थाना का, महेशपुर रेंज आ जाएगा। वहाँ पे एक टाइगर के हमले के व्यक्ति की 45 साल व्यक्ति की मौत हो गई है। तो इसके लिए हम लोग में ही जो है रात को आया था उस जगह को देखने और सुबह से ही हम लोग पूरा लग गए हैं। तो अभी जो है वहाँ 2 केज और 4 कैमरा लगाए गए हैं ताकि टाइगर को जो है उसका मूवमेंट कहाँ है पता कर सके। और हमारे PCC पायलट सर आए थे, उनसे भी परमिशन लेके जो है उनसे भी केजिंग का परमिशन मिल गया है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। और बाकी किसी का जानमान होना तो बहुत दुखद होता ही है, लेकिन लोगों से भी मैं यही अपील करूँगा कि शाम के टाइम में और बिल्कुल सुबह के टाइम में अकेले खासकर खेतों में तो की तरफ मत जाएं। तो देखिए, बाघ का आतंक अब लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। आपके सामने मैं 2 तस्वीरें रखती हूँ कैसे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जानवरों का आतंक है। बहराइच में जहाँ भेड़ियों के हमले से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आदमखोर भेड़िया लोगों की जान लेने पर आमदा हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ लखीमपुर और सीतापुर में लगातार बाघ के हमले बढ़ते जा रहे हैं। सीतापुर में किसी जंगली जानवर के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ये दावा किया है कि ये या तो बाघ हो सकता है या भेड़िया हो सकता है जिसने महिला पर हमला किया है। कुल मिलाकर वनकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कोशिश की जा रही है कि बहराइच से भेड़ियों के आतंक को खत्म किया जाए और सीतापुर और लखीमपुर से बाघ के आतंक को खत्म किया जाए। इसीलिए 24-24 घंटे कॉम्बिंग की जा रही है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, फुटेज पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लगातार लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है उन जानवरों की, ताकि लोगों पर मंडरा रहे इस खतरे को कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और आगे बढ़ते हैं, आइए बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां मौसम की मार ऐसी है कि लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह बाढ़ और बारिश की वजह से जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह से जलमग्न तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, घरों में पानी घुस रहा है, ऑफिसों में पानी घुस रहा है, पुल बह रहे हैं, जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बीते 7 दिन से तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में इस मानसून सीजन में 882 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यह औसत बारिश से 50% ज्यादा है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। वडोदरा से लेकर पोरबंदर तक भारी जलभराव है। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे 1200 लोगों की जान बचाई गई है। सुरक्षा बलों ने कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गुजरात के 10 जिलों की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो लगातार मौसम खराब है, 7 दिन से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब आइए आपको बाढ़ की कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं और गुजरात के पोरबंदर की तस्वीरें आइए आपके सामने रख देती हूं। पूरे इलाके में पानी ही पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। पानी ने इस तरीके से अटैक किया है कि सब कुछ बेबस सा नजर आ रहा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश की मार, बाढ़ की मार लोगों को परेशान कर रही है। जगह जगह लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। NDRF और SDRF की जो टीम है वो फिलहाल तैनात नजर आ रही है। पोरबंदर में देखिए कैसे बाढ़ आई है, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं।
पोरबंदर के बाद आइए आपको वडोदरा की भी तस्वीर दिखाती हूँ। वडोदरा में भी आलम कुछ ऐसा ही है जैसा कि पोरबंदर में है। कच्छ के मांडवी में दो दिन से बारिश थमी हुई है, लेकिन अभी भी पानी कॉलोनियों में घुसा हुआ है, अभी भी पानी निकला नहीं है। पूरे के पूरे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुजरात में इस बार बारिश ने अपना भयंकर प्रकोप दिखाया और खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के कई जिले ऐसे हैं जहां बरसात की तबाही का असर अभी भी देखा जा सकता है। इस वक्त हम कच्छ के मांडवी में हैं जहां बरसात रुके हुए दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कई कॉलोनीज में अभी भी घुटने तक पानी है। अगर हम आगे जाते हैं थोड़ा पानी और बढ़ जाएगा। यहाँ इस वक्त मांडवी की हम हॉस्पिटल क्वार्टर्स जो हैं मांडवी सिविल हॉस्पिटल के वहाँ पे हैं, और आप देखिए बरसात रुके हुए दो दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी अभी पानी में जलमग्न है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दो दिन पहले तक मांडवी में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई है, शायद ऐसी बारिश लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। बताया जा रहा है करीब चार दिन में 40 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। और यहाँ आप देखिए कि जो ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, नीचे वाले जो लोग थे वो सब शिफ्ट करके ऊपर चले गए थे, अपना सामान उन्होंने बचाने के लिए यहाँ ऊपर चढ़ा दिया था। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ देख के आइएगा। तो ये आपके घर में भी पानी आ गया था क्या? बहुत पानी था। अच्छा, धीरे धीरे यार। ठीक है, तो यहाँ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका कौन सा फ्लैट है? ये रहा। क्या पानी अंदर तक आ गया था? हाँ, पूरा प्लेटफॉर्म है जो रसोई का, वो ही थोड़ा बाकी था। अच्छा, हाँ। तो कहाँ तक पानी आ गया था, मतलब यहाँ पे कहाँ तक पानी था? ये रहा ना, यहाँ तक था, यहाँ तक पानी था। अच्छा, यहाँ तक पानी आ चुका था। हाँ। तो अभी पानी उतरते उतरते भी, मतलब अभी भी यहाँ टच कर रहा है आपके? हाँ, अभी तो घर में तो भरा हुआ है। घर के अंदर अभी भी है? अभी भी है। अच्छा, आइए हम घर के अंदर आपको लेके चलते हैं इनके, और उससे आपको पता चलेगा। ये देखिए स्कूटर अपना बचाने के लिए उन्होंने कैसे यहाँ ऊपर रख दिया था। यहाँ लोगों ने घर के बाहर इस तरह से अपने वो बना रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए कि पानी अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी पानी जैसे ही बता रहे हैं यहाँ यहाँ तक आ गया था, तो ये पानी क्रॉस करके ऊपर घर में चला गया। यहाँ मैं आपको तो देखिए पानी लगातार भर रहा है और पानी की वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें अभी आपने कच्छ से देखी हैं और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर बारिश की वजह से लोग बेहाल हो चुके हैं और पानी जो है वो कॉलोनियों में भरा हुआ है। दो दिन का समय बीत चुका है लेकिन अभी भी पानी जो है वो नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। यहाँ तक तो सोसाइटी के एंट्री पॉइंट पे आप देखिए घुटनों तक पानी है, लेकिन आप जैसे ही आगे जाएंगे थोड़ा सा पानी का लेवल जो है वो और बढ़ता जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पिछले चार पाँच दिन इन लोगों के कैसे बीते होंगे। यहाँ आप देखिए पानी का जो लेवल है वो और बढ़ता जा रहा है, और आगे जो घर हैं वो भी इसी प्रकार से जलमग्न थे। कई लोग जैसे ये बता रहे थे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, और बाकी लोग जो हैं वो ऊपर अपने दूसरे जो पड़ोसी हैं उनके घरों में चल गए। अभी भी देखिए लोग जो हैं अपने घरों से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे पानी आ जाता है हमेशा, तो लोगों ने अपने प्रोटेक्शन वगैरह कर रखे हैं। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, चार दिन में करीब 40 इंच बारिश अगर होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है। यहाँ आप देखिए जैसे सज्जन को ये पानी अपने घर से निकालने की अब कोशिश कर रहे हैं, इनके भी पूरे घर में पानी घुस गया था। अभी देखिए सामान बाहर लाके सुखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कितना पानी आ गया था यहाँ? हैं, इतना पानी आ गया था? कितने? चार पाँच सीढ़ी तक? तो फिर आप लोग कैसे, कहाँ चले गए थे आप? तो आप कहाँ रहते हो? यहाँ पे। अच्छा, कितना आ गया था पानी? अच्छा, वहाँ तक पानी आ गया। देखिए आपने तस्वीरें देखी, लोग परेशान हैं, सोसाइटीज में पानी भरा हुआ है। ऐसी एक और तस्वीर आपको मांडवी शहर की दिखाती हूँ, जहाँ
मेघ मंगल सोसाइटी की तस्वीरें हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं, पानी सड़कों पर से घर के अंदर भर चुका है, जो लोगों का सामान है वो कहीं ना कहीं अब खराब हो रहा है। परेशानी का सबब लोगों के सामने है, अपने घर को बचाना है, सामान को बचाना है, पूरी तरीके से अब पानी ने अटैक कर दिया है और पानी का आपातकाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। कच्छ के मांडवी शहर में बरसात रुके हुए 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आप देखिए मांडवी के कई इलाके अभी भी इसी तरह से तालाब के रूप में परिवर्तित हुए हुए हैं। मांडवी के बाबावाड़ी इलाके में है इस वक्त हम, और वहाँ की ये देखिए मेघ मंगल सोसाइटी, जो कि काफ़ी पॉश सोसाइटी लगती है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें लोगों के घरों में अभी तक पानी है। लोगों ने अपने सामान को बचाने के लिए ऊपर चढ़ा रखा है, कई लोग अपना घर बंद करके चले गए हैं। यहाँ देखिए अभी भी आपको व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ डूबे हुए नज़र आएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बाइक जो है ये शायद इसको बचा नहीं पाए। यहाँ अगर मैं आपको ये घर दिखाऊं, देखिए इसके अंदर जा पाना कितना पॉसिबल है नहीं है ये हम देखते हैं, लेकिन आप देखिए इस घर के अंदर जो व्हीकल हैं ये कैसे डूबे हुए पड़े हैं, और हम कोशिश करते हैं घर के अंदर जाने की। आप यहाँ देखिए कैसे ये व्हीकल जो हैं ये डूबे हुए हैं, और यहाँ ये देखिए घर के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है, पानी अभी उतरा नहीं है। शायद इतनी बारिश कभी इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी जितनी इस बार आई है। यहाँ देखिए कैसे फ्रिज को बचाने के लिए सोफे पे यहाँ पे रखा हुआ है फ्रिज को, और यहाँ आप देखिए घर के अंदर अभी भी देखिए घर में इतना पानी है, एक तरह से ऑलमोस्ट घुटने के लेवल तक। यहाँ देखिए सामान कैसे पूरा बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ ये कितने टाइम से ऐसे ही पूरा तीन दिन हो गए। अच्छा, तो कैसे आप लोग ऊपर की तरफ? हाँ, ऊपर रहते हैं, नीचे खाना बनाते हैं आके। अच्छा, हाँ। तो पानी कहाँ तक आ गया था ये अभी? इससे यहाँ तक था। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए ये पानी का लेवल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक पानी आ गया था, यानी अगर हम मेजर करें कमर तक पानी यहाँ घर के अंदर आ गया था। यहाँ मशीन सब तर रहा है पीछे। अच्छा, कहाँ पे? पीछे है, हम जा सकते हैं पीछे? हाँ, यहाँ देखिए इधर बिजली भी नहीं है, किचन में देखिए कैसी कंडीशन में आके इनको काम करना पड़ रहा है यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, तो ये पानी कहाँ तक आ गया था? यहाँ प्लेटफॉर्म में भी नहीं, यहाँ तक आया था। अच्छा, तो किसी तरह से मशक्कत से ये थोड़ा बहुत खाना अपना बना पा रहे हैं, पर यहाँ आप देखिए क्या हालत है, पूरे घर के अंदर हर जगह सिर्फ पानी।